मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व प्रभारी मंत्री मुरादाबाद डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दिल्ली रोड स्थित राही होटल में कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के सभी लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में विकास कार्य तेजी के साथ किए गए हैं और साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को भी पहुँचा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत सभी को आवासों की चाबियाँ भी प्रभारी मंत्री द्वारा वितरित की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं प्रभारी मंत्री मुरादाबाद डॉक्टर महेंद्र सिंह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूरे होने पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित राही होटल में एक सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान नगर विधायक प्रतेश गुप्ता, विधायक राजेश कुमार चुन्नू, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष रविन्द्रनाथ मिश्रा, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का कहना था कि आज प्रदेश में बेसहारों को घर और जरूरतमंद की मदद करने के लिए सरकार ने काम किया है। आज पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुरादाबाद में कई हजार आवास आज दिए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का विकास हो और सभी गरीब तबके के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को आवासों की चाबी भी मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा दी गई। इस दौरान सभी लाभार्थी अपने आवासों की चाबी लेकर फूले नहीं समा रहे थे। कार्यक्रम का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी द्वारा किया गया। कहना चाहता हूं, आज पूरा उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे, लोग कहते थे हाईवे बनना चाहिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे की तैयारी हो गई, वो भी शुरुआत हो गई है। अब हम लोग ये 5-5 एक्सप्रेसवे जो हमारे बनाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, 3 एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी पूरा होने वाले हैं, 2 एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। आज बहुत बड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, 5,50,270.78 करोड़ का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसको अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास का एक आकलन किया जा सकता है। पहला साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले साल का बजट किसानों को समर्पित करेंगे, दूसरे साल का बजट उद्योग जगत को समर्पित करेंगे, तीसरे साल के बजट के लिए उन्होंने कहा हमारी माताओं और बहनों को समर्पित करेंगे, चौथे साल का बजट उन्होंने युवाओं को समर्पित किया और पांचवें साल का बजट सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास, जितने काम छूटे हैं उनको समर्पित करने का काम किया है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुरादाबाद के लोगों को मैं सम्मान करता हूं हृदय के साथ, मुरादाबाद हमारा आर्थिक नगरी है, मुरादाबाद से जो अर्थ निकलता है उसके टैक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा काम होता है, लोगों को रोजगार भी मुरादाबाद बहुत लोगों को देता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में क्रांति हुई उसके कारण से लाखों नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ और जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था वो आज दूसरे स्थान पर आ गया है। मित्रों, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के काम के कारण से हुआ है, बहुत बड़ी बात है। रोजगार के लिए अगर आप देखेंगे 2017 में हम लोग 17.5% था, आज वो घट करके 4.1% पर आ गया है, बेरोजगारी का दर घट गया है, 4.1% बचा हुआ है,
तेजी के साथ लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, नौजवानों को काम दिया जा रहा है, बहनों के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से रात और दिन परिश्रम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय विधायक जी ने, हमारे सदस्य विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह बैस जी ने, आदरणीय रितेश जी ने, आदरणीय चुन्नू भैया ने और पूरी टीम ने मिलकर के जो काम किया है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, इनको भी बधाई देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी होना चाहिए। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मैं मुरादाबाद का प्रभारी मंत्री होने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा मुरादाबाद तो सबकी मुराद को पूरा करे, यही मेरी शुभकामना है कि मुरादाबाद हमारे सबकी मुराद को पूरा करे, मुरादाबाद का चतुर्दिक विकास हो, हर तरीके की योजनाओं को हम लोग सफलतापूर्वक लागू करें। अपने भाई और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, शांति का वातावरण, जिस तरीके का निवेश आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 3 लाख करोड़ तक का निवेश अभी तक हो चुका है। जब हमारा इन्वेस्टर सबमिट हो रहा था और 4,68,000 करोड़ की परियोजनाओं का MOU साइन किया गया था, लोग पूछते थे कब निवेश होगा। आज मैं बताना चाहता हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सबको दिखाई पड़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तेजी के साथ निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, चतुर्दिक उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इन शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत